बच्चों अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सरसाइज 1.6। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये खत्म, चैप्टर खत्म। ठीक है, चलो क्वेश्चन है सिंपलीफाई करना। हमें इसके चार पार्ट दिए हैं, हमें इन सबको सिंपलीफाई करना है, सॉल्व करना अच्छे से। तो देखो हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी देखनी पड़ेगी कि आइडेंटिटी इसके अंदर कौन सी लगती है। सबसे पहले देखो 2 की पावर 2 रेस टू पावर 3 एंड मल्टीप्लाई हो रहा है 2 रेस टू पावर 1.5 से, यही चीज है। तो यहाँ पे देखो बेस सेम है, जब बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। फॉर्मूला है ना हमारे पास ए रेस टू पावर एम, और जब बेस सेम हो तो ए रेस टू पावर एन, विच इज इक्वल टू ए रेस टू पावर एम प्लस में एन, यही होता है। तो यही हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, आ जाओ। तो 2 रेस टू पावर हम यहाँ पे क्या, पहले 2 को कॉमन लेंगे, बेस कॉमन ले लिया एंड इनकी पावर को एड करेंगे, तो 2/3 + 1/5। ओके, अब देखो इसकी, इसको सॉल्व करो आप, तो यहाँ पे क्या होगा, 15 कर देंगे हम, तो ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 10/10 ऐसे 15 ऐसे ले लो आप, जल्दी कर लीजिएगा ये। एक मिनट, हाँ ये हमारा 3 से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी मैंने गलत कर दिया, जस्ट अ मिनट 5, 10, 15 यही आएगा, सॉरी 15 एंड 5 15 कैसा है, 3 × 5 15 कर दिया। एंड नीचे अगर 15 करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, तो ऊपर भी 5 से, तो ये 10 हो जाएगा। देन देखो इसको 15 में आना, 5 को किससे करोगे, 3 से, नीचे 3 से तो ऊपर भी 3 से, तो ये 1 × 3 ये हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 2 रेस टू पावर 13/15। ओके, ये चीज थी। चले आगे, ऐसी आइडेंटिटी देखनी और आंसर निकालना, और कुछ नहीं करना इसके अंदर। अब देखो आपके पास है 1/3 रेस टू पावर 3 है, देन उसकी पावर क्या है बच्चों, 7। तो यहाँ पे क्या चीज है, एक हमारे पास पावर कॉमन है, बेस अलग अलग है, बेस अलग अलग है ना, किस फॉर्म में है, ए रेस टू पावर एम अपॉन में बी रेस टू पावर एन, ये दोनों अलग, सॉरी हमारे पास क्या है, ए रेस टू पावर एम और बी रेस टू पावर एम। तो इसको हम क्या लिखते हैं, जब बेस अलग अलग होते हैं तो हम इसको नीचे कॉमन ले लेते हैं और पावर कॉमन कर देते हैं, यही चीज होती है। तो हम इसको, हमें देखो क्या चीज है, सॉरी क्या चीज है, हमें ये गिवन है ये निकालना है, भाई ये गिवन है ये निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं, आ जाइए। तो यहां पे देखो क्या करेंगे, इसको हम 1/7 कर देंगे, ये पावर इसके ऊपर ले जाएंगे बेस के ऊपर, एंड 3/3 है इसके ऊपर 7 ले जाएंगे, ठीक है, ऐसे ओपन करना है इसको, गलती से कभी सीधा मत कर देना। तो 1 रेस टू पावर 7 तो 7 होगा, और ये क्या हो जाएगा, देखो ये चीज हमारे पास यहाँ पे नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं इसका वो बता देता हूँ आपको, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास, कि जब भी आपके पास ऐसे होगा ए रेस टू पावर एम मल्टीप्लाई बाय एन पावर बे, ठीक है, तो ये क्या होता है, पावर हमारी मल्टीप्लाई हो जाती है। ओके, तो वही चीज है, चाहे नीचे ऊपर पावर बात तो वही रहेगी, तो ये हो जाएगा 1/3 रेस टू पावर 3 × 7 विच इज 1/3 रेस टू पावर 21। ओके, तो ये आपके पास आंसर आएगा। आगे चलो थर्ड पार्ट पे आ जाइए, थर्ड पार्ट है 11 की पावर 1/2 / 11 की पावर 1/4। तो यहाँ पे पहले, सबसे पहले देखो बेस सेम है, जी हाँ यहाँ पे बेस सेम है, तो हमारे पास बच्चों फॉर्मूला क्या लगेगा, हमारे पास जब बेस सेम है और पावर अलग अलग है, ठीक है ना, ए रेस टू पावर एम और ये इस फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाता है हमारे पास, बताओ जल्दी से, ए कॉमन आ जाता है और पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, यही चीज होती है। चलो इसको सॉल्व करते हैं अब हम, तो यहां पे हम क्या करेंगे, 11 ले लिया, देन देखो ऊपर 1/2 − 1/4। ओके, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 11/4 इधर आ जाएगा विच इज इक्वल टू 1/4 पावर में, सिर्फ पावर में बता रहा हूं, यानी 11/4 आंसर आ जाएगा इसका। ओके, तो ये हमारे पास क्या हुआ, इसका आंसर आ गया। दोबारा चेक करना चाहो दोबारा कर लो, देखो क्या चीज है, हमारे पास एक्सपोनेंट का लॉ होता है कि दोनों के बेस जब अलग सेम सेम हो और पावर अलग हो तो हम क्या करेंगे, डिवीजन में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। वही क्या, मैंने 11 लिया कॉमन बेस था, देन पावर 1/2 − 1/4, ठीक है जी। देन देखो नीचे एलसीएम लोगे 2 और 4 का तो 4 आएगा, 4, अब इसको 4 बनाना है तो क्या 2 से करोगे ना मल्टीप्लाई, इसको 2 से किया तो ऊपर भी 2 से, तो 2 आ गया, माइनस गया ऑलरेडी 4 है ही, तो −1, तो ये हमारे पास क्या होगा, 2 − 1 विच इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ गया। चलिए
अगला हमारे पास देखो 7 की पावर 1 बाई टू मल्टीप्लाई हो रहा है वो 8 की पावर 1 बाई टू। यहाँ पे क्या चीज देखने को मिल रही है, गौर करोगे तो बेस अलग है, ठीक है, बेस अलग है, पावर सेम है, ऐसी है। तो क्या होता है इसके अंदर हमारे पास a मल्टीप्लाई बाय b की पावर m, a मल्टीप्लाई बाय b की पावर होल m, ठीक है। चलिए इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे अब, सिंपल सी चीज, यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाय 8 ये दोनों अंदर ले गए और इनकी पावर क्या हो जाएगी 1/2 विच इज इक्वल टू 7 इंटू 8 बताओ जल्दी से, 7 इंटू 8 होता है 56, ठीक है। कई बच्चे क्या करेंगे, गलती में बता देता हूं, ये 8 को ओपन करेंगे, 8 का मतलब 2 रेस्ट टू पावर 3, ठीक है, देन वो क्या कहेंगे आइडेंटिटी कौन सी लगाने बैठेंगे, वो पावर के ऊपर पावर ये वाली, तो वहां पे वो बिगड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमें एक फॉर्मेट के अंदर गिवन है, एक लॉ के हिसाब से गिवन है, तो हमें यही चीज करनी है, ठीक है। चलो तो ये होगी आपके पास एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज खत्म, देन टाटा बाय बाय करते हैं इस चैप्टर को, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे पास है बच्चों, चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास पॉलीनोमियल्स। तो करके आना कि पॉलीनोमियल्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, इक्वेशंस, टर्म्स, फैक्टर्स, इसके अंदर कोफिशिएंट, जो भी चीज है पहले इसको एक बार पढ़ के आना, रिवाइज करके आना, बताऊंगा जरूर मैं भी, बट एक बार करके आना कि फैक्टर्स, फैक्टराइजेशन, 8 क्लास में फैक्टराइजेशन करा था, तो वो चीजें थोड़ी सी पढ़ के आना तभी, ताकि क्या हो ये चैप्टर थोड़ा सा ढंग से आप समझ पाओ, ओके। और कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स है ही आपके पास, एंड वीडियो एंड जरूर शेयर कर लीजिए एंड लाइक कर लीजिए, चैनल हो सके तो सब्सक्राइब करो, जो सब्सक्राइब करे वो बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। थैंक यू।